हेलो फ्रेंड्स, हम अब पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेवन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमको सीखने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन से पहले क्या सीखेंगे हम कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, इसके डिफाइन पर पहले फोकस करेंगे और इससे हम समझेंगे। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट सराउंडिंग। न्यूट्रिएंट वो चीज़ है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है ताकि उसकी बॉडी की एनर्जी की जो नीड है, उसकी बॉडी के जो एनर्जी की जो नीड है वो कंप्लीट हो सके, और उस एनर्जी को और उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो उसके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यूज इनको बना सके। आगे देखते हैं इसमें, एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब होता है बनाना ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स जैसे टिश्यू एंड ऑर्गन। ऑर्गन का नाम में आप एग्जांपल आप सभी समझते हैं, जैसे हम बात करें स्टमक की, लीवर की, ये सब हमारे ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन एक और शब्द है इसमें टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है, क्या होता है, हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल। लेकिन जब ये सारे सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स सब कंबाइन होकर सिर्फ एक फंक्शन को परफॉर्म करे, जब सारे सेल्स कंबाइन होकर सिर्फ एक फंक्शन को परफॉर्म करे तब वो ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं टिश्यू कहलाता है। समझ में आया क्या कहा अभी तक? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। एक बात को समझना है यहां पर, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस का नाम है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड विच इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल फॉर इट्स लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज। क्या समझेंगे हम इस चीज को? देखो मेरे हाथ में ये रहा एप्पल, मेरे को इस एप्पल को खाना है, ठीक है। एप्पल जो मेरे हाथ में, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए जो मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और मेरी बॉडी को चलाएंगे। इसको मैं खा रहा हूं, ये है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट क्या है? जो मेरे हाथ में, जिसको मैं खाना चाह रहा हूं, और न्यूट्रिशन इसको खाने की प्रोसेस। इन दोनों शब्दों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन। यहां तक आपको समझ आए? हमारा चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा आएगा जिसका नाम होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उस चैप्टर के अंदर अपन सिर्फ एनिमल्स की बात करेंगे। यहां तक क्लियर आप सभी को? ठीक है, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्लांट्स में कितने प्रकार का होता है हम इसको देखना चाह रहे हैं। फर्स्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस, ये वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता हो। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक, मतलब अपना खाना खुद बनाना। और ये कौन करता है? प्लांट्स। और आप सभी जानते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे भी सेकंड पार्ट हम डिवाइड करें तो उसका नाम आएगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर इसका मतलब होता है वो न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म बनाते नहीं है। मतलब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम ऐसे समझेंगे जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरे किसी से ऑब्टेन करते, किसी दूसरे से लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ह्यूमंस, हम लोग खाना बनाते थोड़ी हैं, हम लोग किससे लेते हैं? प्लांट से। समझना इस बात को, ये नहीं बोलेगा मुझसे कि हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, हम किचन में खाना पकाते, हम लेते तो प्लांट से। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक को आगे और क्लासिफाई करा गया किस तरह से, इसको देखेंगे हम।
सबसे पहला इंसेक्टिवोरस, क्या मतलब होगा इंसेक्टिवोरस का? वो प्लांट्स जो जो फोटोसिंथेसिस करते तो हैं लेकिन अपने न्यूट्रिशन के लिए उनको जो नाइट्रोजन की उनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, आप सभी समझते हैं अब तक डेफिशिएंसी का मतलब कमी हो जाना, जब उनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तब वो क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट को पकड़कर खा लेते हैं ताकि उनकी बॉडी के नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो सके, पूरी हो सके। ये बात याद रखना, फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सिर्फ नाइट्रोजन को गेन करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं। अब बात आएगी इंसेक्टिवोरस खाएंगे कैसे, पकड़ने तो जाएंगे नहीं, क्या करेंगे? इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जग जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई इंसेक्ट गलती से यहां पर इंटर हो जाए तो उसको पकड़ लेते हैं और उसको पीस कर उसका न्यूट्रिशन गेन करते हैं। अब एक और बात आपके मन में आनी चाहिए, इंसेक्ट को जब पता है कि यहां खतरा है तो जाएगा क्यों? ये उसके लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को थोड़ा सी ब्राइब देते हैं, उसको कहते हैं रिश्वत देते हैं। कैसे? ये अपने अंदर से कुछ ऐसा निकालेंगे केमिकल जो बहुत स्वीट होगा, बहुत मीठा होगा, इंसेक्ट को क्या लगेगा उसके लिए खाना है वहां पर, उस खाने के लालच में वो यहां पर आएगा और अंदर घुस गया तो ये बंद कर देंगे उसको। समझ आया क्या कहा? नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस के बाद हम बात करें पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद कभी नहीं बनाते, वो क्या करते हैं सिर्फ पास वाले से ही अपना खाना लेंगे। अब इसके बाद कर एग्जांपल, इंग्लिश में कहते हैं उसको कसकटा और आप सभी जानते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अमरबेल। हम सभी घर में आप या आपने आसपास कहीं ना कहीं देखी होगी। ये क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखो ये एक प्लांट उग रहा है ठीक है, इसके पास आपने अमरबेल लगाई, अब ये न्यूट्रिशन तो लेगा नहीं, ये बना तो सकता नहीं है खुद का, ये क्या करेगा अंडरग्राउंड कनेक्शन करेगा। इस कनेक्शन से जो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा न्यूट्रिशन बना रहा है उसको ये गेन करता रहेगा, मतलब बना तो ये रहा है लेकिन ले कौन रहा है, ये वाला प्लांट अमरगल कसकटा, इसीलिए इसको पैरासाइट का नाम दिया जाता है। ये अमरगल क्या कहलाएगी, पैरासाइट, और इस पैरासाइट के लिए पास वाला प्लांट जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है वो कहलाता है होस्ट। ऐसा इंसानों के साथ भी होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और जो हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। आप सभी ने सुना हो कभी, बहुत से लोगों के साथ ऐसी बीमारी होती है, इंसान खा तो बहुत रहा है लेकिन शरीर को लग नहीं रहा, तो जा कर रहा है खाना, वो कोई ना कोई पैरासाइट उनकी बॉडी के अंदर है जो न्यूट्रिशन को गेन कर रहा है। अब पैरासाइट को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो इंसान को कैसे मिलेगा, वो कैसे गेन करेगा? समझ आया दोनों का मतलब, इंसेक्टिवोरस पैरासाइट। नेक्स्ट सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब होता है आपस में एक तरह का रिलेशनशिप निभाना, मतलब आपस में दोनों को एक दूसरे की हेल्प करना। अब कैसे करते हैं सुनिए, जैसे मेरे पास ये रेड का पेन है, मेरा एक फ्रेंड मेरे पास में है उसके पास ब्लू का पेन है, हम दोनों को एक साथ इस बोर्ड पे लिखना है लेकिन मेरे पास तो सिर्फ रेड का है और उसके पास सिर्फ ब्लू का, क्या करें, मैं अपना रेड पेन उससे शेयर करूं, वो अपना ब्लू पेन मेरे से शेयर करे, इससे हम दोनों का काम हो गया, नुकसान किसी को नहीं हुआ लेकिन फायदा दोनों का हो गया। इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है ये कहलाता है सिम्बायोटिक, या फिर एको नाम इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोसिस। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए कि दोनों एक दूसरे को फायदा करेंगे, उस प्रकार का रिलेशनशिप कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, आप सभी जानते हैं हिंदी में नाम सभी ने सुना है काई का, उसको इंग्लिश में कहते हैं अलगे।
आप सभी जानते हैं कि अलगे जो है इसके छोटे से प्लांट्स होते हैं जो जहाँ नमी होती है वहां पाए जाते हैं। अब रूट्स भी छोटी है इसकी, तो क्या करेगा ये, ना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है और एब्जॉर्ब नहीं करेगा, खाना कैसे बनाएगा। ये क्या करता है, फंगाई को आके बोलता है, किसको, फंगाई, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, फफूंद। इसको आके क्या बोलता है, तुम मेरे साथ काम करो, कैसे काम करो, तुम मेरे रूट्स में जुड़कर ऐसे फैल जाओ, और क्या करो, तुम मेरे को जमीन से न्यूट्रिशन खींच के दो, मैं तुमको खाना दूंगा। क्या मतलब, तुमको खाना ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, तुमको खाना मैं प्रोवाइड करूंगा फ्री में, ठीक है, तुम इतना सा काम करो बस, मेरे को न्यूट्रिशन जमीन से खींच के दो। दोनों का फायदा हो गया, इसको खाना ढूंढने जाना नहीं है, इसको न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा मिल गया। ये हो गया एक प्रकार का रिलेशनशिप दोनों का, इसी का नाम है सिम्बायोटिक, और इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको सुनेंगे सभी लोग, जब अलगी और फंगाई साथ में काम करते हैं, ये कंप्लीट एक अलग ऑर्गेनिज्म के रूप में काम करते हैं, इसका नाम होता है फिर लाइकेन। इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लाइकेन एक अलग से ऑर्गेनिज्म है, लाइकेन कोई अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइकेन अलगे और फंगाई का साथ में कॉम्बिनेशन है जिससे दोनों को सिर्फ फायदा होता है। समझ आया बात, यहां क्या मैंने, नेक्स्ट फोर्थ टाइप का एक और होता है इसमें, जिसका नाम होता है सेप्रोट्रॉप। सुनेंगे, सेप्रोट्रॉप क्या होता है, वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग चीज से पास करे, डेड और डिकेइंग चीज से गेन करे। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है मतलब खराब हो रहा है, सड़ रहा है वो, उसके ऊपर अगर जाके कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसका न्यूट्रिशन ले, उसकी बॉडी के पार्ट्स खाने लगे जिससे उसको एनर्जी मिले, वो न्यूट्रिशन कहलाएगा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉप्स। मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग चीज से अपने न्यूट्रिशन गेन करते हैं वो कहलाते हैं सेप्रोट्रॉप्स के अंदर। इन चीज इन चीजों को समझना जरूरी है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पहले दो प्रकार के, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, उसके बाद हेटरोट्रॉपिक डिफाइन किए गए इंसेक्टिवरस, पैरासाइट, सिम्बायोटिक, सेप्रोट्रॉप्स। समझ आए यहां तक, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे सिर्फ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। पहले मतलब तो आपको बता चुका हूं मैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वो प्लांट्स ये वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, वो सब आते हैं ऑटोट्रॉपिक के अंदर। एग्जांपल के तौर पर ग्रीन प्लांट्स या सिर्फ प्लांट्स की बात करें जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सभी सिक्स क्लास में ये चीज पढ़ के आए, फोटोसिंथेसिस। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, फोटो मींस व्हाट, लाइट, सिंथेसिस बनाना या मेकिंग, मेक लिखते हैं, ठीक है, लाइट की मदद से खाना बनाना ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस की। समझेंगे इस बात को, हम सभी जानते हैं ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, इसका मतलब होता है फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस बनाना मतलब लाइट की मदद से अपना खाना बनाने की प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अब मैं आपसे जनरली पूछता हूं, फोटोसिंथेसिस बना करनी किसी प्लांट को क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट होगी, उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम सभी एक चीज को जानते हैं, अगर किसी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है उसको चार चीजों की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें, सनलाइट या लाइट, नेक्स्ट क्लोरोफिल, उसके बाद CO2, आप सभी जानते हैं इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ एंड लास्ट
H2O, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, वाटर का होता है H2O, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट तो भगवान ने हमको कुदरती दे रखी है, सनलाइट। डेली सूरज उगता है, डेली प्लांट को लाइट मिलेगी। अब ये रहा प्लांट, इसके ऊपर लाइट गिर रही है। अब इस प्लांट को, उस लाइट को पकड़ना है ताकि उसका यूज कर सके। ये प्लांट कैसे पकड़ेगा उस लाइट को? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? अब एक ग्रीन पिगमेंट। कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनिल। मतलब हम सभी जानते हैं, आपको लास्ट टाइम पढ़ाया है मैंने, फिर भी देखेंगे इधर। ये रहा एक सेल। हम सभी की बॉडी, चाहे प्लांट्स एनिमल्स हो, सबकी बनी हुई सेल के द्वारा। एक सेल, इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑर्गन्स पढ़ाए थे मैंने। इसके अंदर क्या क्या छोटी छोटी चीजें होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सब बताया था। फिर भी सुनो, इसके अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनिल, छोटा सी चीज और होती है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ये पिगमेंट्स के रूप में। इसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, पकड़ना, कैप्चर करना, ताकि उसका वो यूज कर सके आगे। यहां तक समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सनलाइट नेचुरली मिलती है, इसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल का ऑर्गेनिल है। समझ आया यहां तक क्या कहा? नेक्स्ट, CO2। CO2 मिलती है एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से। लेकिन CO2 को पकड़ने के लिए कुछ चीज तो चाहिए ना, जिससे प्लांट के अंदर घुस सके वो। ये एक लीफ, इसके ऊपर है ये छोटा सा एक पोर। बहुत छोटा होता है, या बड़ा बनाया मैंने तक दिखाने के लिए, होता बहुत छोटा सा है। इस छोटे से पोर का नाम होता है स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के द्वारा होता है इस प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज। मतलब हम सभी जानते हैं प्लांट के अंदर CO2 जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये दोनों प्रोसेस, CO2 का अंदर जाना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, होती है स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा क्या होता है? छोटा सा पोर, छोटा सा छेद। कहां पर? लीव्स के ऊपर, जहां से वो गैसेस एक्सचेंज करती है। तीन चीज तो अपने कवर कर ली, क्या? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2। बचा क्या? वाटर। अब हम सभी जानते हैं हम प्लांट्स को पानी कहां देते हैं? रूट्स में। लेकिन चाहिए कहां? लीव्स पे। क्यों? फोटोसिंथेसिस। देखिए इधर, हम देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर वाटर जो हमने डाला है रूट्स के अंदर, चाहिए कहां पर? लीफ में। लीफ में क्यों चाहिए? ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। सनलाइट तो हम देख पा रहे हैं, डायरेक्ट एनवायरमेंट से मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट स्टोमेटा के द्वारा एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या निकाल रहा है? ऑक्सीजन। पानी डाला कहां आपने? रूट्स में। लेकिन रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट तो होना पड़ेगा ना। ट्रांसपोर्ट होने के लिए आप यहां पर देख पा रहे हैं एक स्पेशल टाइप का वेसल है, या बात कर नली है, जिसके द्वारा पानी नीचे से ऊपर की साइड चढ़ रहा है, जिसका एरो में देख पा रहे हैं आप, नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, जिसका नाम हमने दे रखा है जाइलम। साथ में क्या लिख रखा है? जाइलम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर का और जो मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट है, उसको वाटर में डिजोल्व करके ऊपर लीफ तक पहुंचाना, ताकि खाना अच्छे से बन सके। इसमें आप लोग एक और चीज को देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है, यूनि का मतलब होता है वन, डायरेक्शनल एक डायरेक्शन के अंदर। क्या मतलब? डायग्राम में ध्यान से देखें, मैंने जितने भी एरो बनाए सब नीचे से ऊपर की साइड ही बनाए। क्यों? पानी तो हमेशा नीचे से ऊपर ही ट्रांसपोर्ट होगा ना। पानी ऊपर थोड़ी एब्जॉर्ब हो रहा है जो ऊपर से नीचे आ जाएगा, जाना तो कहीं पर भी नीचे से ऊपर ही है उसको, मतलब एक ही डायरेक्शन में। इसलिए क्या लिखा? यूनिडायरेक्शनल।
मतलब एक डायरेक्शन के अंदर। इसके साथ में यहां देखेंगे, यहां पर एक और नली मैंने बनाई है, एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या दिया मैंने, फ्लोएम। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो फूड लीव्स के अंदर बन रहा है उसको प्लांट के ट्री के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, ताकि हर पार्ट अपना फंक्शन कर सके, परफॉर्म कर सके। तो देखें यहां पर एरो में आप देख पा रहे हैं, मैंने एरो ऊपर भी बनाया है और एरो नीचे के साइड भी बनाया है। क्या मतलब इसका, लीफ ने फूड बनाया, खाना बनाया, लेकिन उस फूड को इस फ्लोएम ने ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करा और नीचे भी करा, मतलब दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करा। क्या मतलब, बाई मतलब होता है टू, इसीलिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट को नाम क्या दिया गया, बाई डायरेक्शनल। यहां क्या नाम दिया था, यूनि डायरेक्शनल, क्यों, एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा था। यहां नाम क्या दिया, बाई डायरेक्शनल, क्यों, दोनों साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, खाना तो हर पार्ट को चाहिए, रूट्स को भी चाहिए तो ऊपर के स्टेम को भी चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, फ्लोएम और जाइलम के फंक्शन, जाइलम का फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। यहां तक समझ आया, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इधर देखेंगे नेक्स्ट, हम लिख रहे हैं एक इक्वेशन, 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर लाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। इस इक्वेशन के अंदर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है सिर्फ CO2, यहां पर 6 लिखा आगे मतलब 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर सिर्फ लाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ग्लूकोज का, जो खाना बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, इसीलिए यहां पर फॉर्मूला लिखा है C6H12O6। ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बना क्या, ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक और बात का ध्यान रखना है, यहां पर बनता तो ग्लूकोज से, लेकिन जैसे सपोज एक प्लांट ने बनाया 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसने फिर इसको यूज करा 80 ग्राम ग्लूकोज, बच कितना गया 20 ग्राम, रिमेनिंग कितना है 20 ग्राम। अब उसको क्या करेगा प्लांट, स्टोर, ताकि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सके। इसको प्लांट स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम सभी जानते हैं सिक्स्थ में हमने सेकंड चैप्टर के अंदर एक्सपेरिमेंट करा था टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अवर फूड पार्टिकल, क्या डाला था, आयोडीन सॉल्यूशन, कलर क्या आया था, ब्लू ब्लैक, वहां पर हमने स्टार्च बोला था, ग्लूकोज नहीं बोला था, क्यों, प्लांट जो खाना अपना एब्जॉर्ब करता है सॉरी स्टोर करता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसीलिए हमने वहां पर स्टार्च का नाम दिया था। इस इक्वेशन के अंदर एक और चीज हमको ध्यान रखनी है, कोई भी ये नहीं बोलेगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फिर एरो, इसको एरो नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिव्स, गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहां तक समझ आ रहा है आपको क्या बोला। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी तक हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस ऐसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या क्या उनको जरूरत है, बट हो क्यों रही है, अगर नहीं हुई तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम सभी इक्वेशन से देख पा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही निकलती है सबसे पहले तो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज भी इससे ही बनता है, मतलब हमको जो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है CO2 सॉरी ऑक्सीजन वो भी निकल रही है प्लांट से,
किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। एंड ग्लूकोज जो खाना है हमारा वो भी बन रहा है किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर दोनों ही चीजें नहीं बनी, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर नहीं हुई और ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं बना, तो हम सभी का इस धरती पर जीना एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि दो जो चीज हमको दो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए हमारे जीने के लिए, वो दोनों ही नहीं बनेगी। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई प्लांट भी नहीं होगा धरती पर, ना ही कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो हमारे लिए नुकसानदायक ही है। इसलिए कहा जाता है आज की तारीख में डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो सके और हमारी अर्थ ग्रीन रह सके और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बन सके। इस इक्वेशन को याद रखेंगे और इसके बाद स्लाइड्स में आपको कुछ नोट्स चलेंगे, उनको नोट करेंगे, ठीक है।